पंद्रह हो गई है मार रहे पंद्रह ने बच्चा बकवास पांच मारे सारे थे पंद्रह चलो पंद्रह करो ओए इन्हें जो एक भी नहीं मार रही अपने वक्त की एक बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है। फुटबॉल और कबड्डी में ये नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं और आजकल म्युनिसिपल जो हमारी काउंसिल है उसके कॉर्पोरेटर हैं। आपसे उनको मिलाने का मेरा मकसद यही है कि आप लोगों से ये स्पोर्ट्स के हवाले में आपकी के साथ शेयर करें कि आप लोगों का स्पोर्ट्स में आने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और ख़ास करके आज के जो हालात हैं इन हालात में अपने आप को बचाना बुरी आदतों से और ख़ास करके कोविड से। मैं नहीं समझता कि स्पोर्ट्स से और ड्रोन से ज़्यादा बेहतर कोई और जगह हो सकती है। तो मैं आपके बिना ज़्यादा नहीं रहूँगा, मैं बाकी सबसे गुजारिश करूँगा कि वो दो मिनट के लिए आपकी हौसला अफजाई के लिए चलकर हमारे क़ियादत में ये एक बहुत अच्छा रास्ता है और ग्राउंड में आके स्पोर्ट्स मैन बनना एक बहुत बड़ी बात है और इसकी बहुत आगे तक आप जाओगे। इनके जितने भी सिखाए हुए लोग दूर दूर तक इंटरनेशनल खेल रहे हैं और नौकरियां भी पाई हैं उन्होंने, इसलिए आप बुरी आदतों से बचने के लिए ग्राउंड में डेली आया करो और इनसे सीखो ताकि आप कहीं दूर तक पहुँचोगे। हमारी दुआ यही है आपको। और जो आजकल हालात चल रहे हैं, कोविड के हालात चल रहे हैं और ये बीमारी चल रही है, उससे भी बचना है, उसको भी देख के चलना है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन में चलना है। और मैं यही दुआ करता हूँ आप जो बच्चे ग्राउंड में आते हो और आप दूर तक जाओ और फुलो फलो और तारक साहब की क़ियादत में कोई बच्चा जो है वो ख़राब नहीं होगा और अपनी लाइन में रहा है, उसको कामयाबी मिली है, अल्लाह ताला उसको कामयाबी देगा।